हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग उसको बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वह कंज्यूमर के माइंड में कितना इमेज क्रिएट कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, मैं बोलता हूँ टूथपेस्ट, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आ रहा होगा, कॉलगेट। तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ मिनरल्स वाटर की, तो मिनरल्स वाटर की अगर मैंने बात की तो कुछ स्टूडेंट के माइंड में यही आ रहा होगा, बिस्लेरी। तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट है, तो उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। और हमारा जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग होती है, हमें यह इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए एक सुटेबल मार्केट कौन सा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग है, हमें यह भी इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे कंपटीटर से कितना बेटर है, ठीक है। यह भी हमें इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। अब मैंने एग्जांपल बताया था टूथपेस्ट मैंने बोला था आपके माइंड में आया कोलगेट। अगर मैंने बोला मिनरल्स वाटर, आपके माइंड में आया बिस्लेरी, तो हमारा प्रोडक्ट पोजीशनिंग है। अब इसके गोल्स की बात करते हैं कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग का गोल्स क्या है। गोल्स इसका यही है कि जो कस्टमर है, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना और उसको अट्रैक्ट करना, यही इसका गोल है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट, पोजीशनिंग का आखिर क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। पोजीशनिंग करने से हमें यह बेनिफिट मिल सकता है, क्रिएट इमेज कंपटेटिव पोजीशन। अगर मैंने बात किया था कोलगेट की, सॉरी टूथपेस्ट की, टूथपेस्ट तो जो हमारे कोलगेट है, कोलगेट का एक अलग ही पोजीशन हमारे मार्केट में है, ठीक है। अगर बात करते हैं इम्प्रूव सेल की बात करते हैं, तो हर कंपनी चाहती है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर हम पोजीशनिंग करते हैं तो हमारे जो सेल है हमारे प्रोडक्ट की वह इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करते हैं, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट की जो इमेज है, ठीक है, वह कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट हो गई है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं डिफाइन ए क्लियर टारगेट मार्केट। तो हमें जो टारगेट मार्केट है, हमने डिसाइड कर लिया कि किस मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की नीड है, किस प्रोडक्ट की हमारी ज़रूरत है किस मार्केट में, ठीक है। मेक मोर इफेक्टिव डिसीजन, जो पोजीशनिंग करने से हमें इफेक्टिव डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाती है। कनेक्ट टू कंज्यूमर नीड, जब हम पोजीशनिंग करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग कंज्यूमर से हम मिलते हैं, तो देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर को क्या नीड्स है, ठीक है। इससे भी हमें पोजीशनिंग करने से हमें बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज के बारे में। तो इसमें हमारा आता है पोजीशनिंग बाय प्राइस। इसमें जो होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो इमेज कस्टमर के माइंड में प्राइस के बेस पे क्रिएट किया जाता है। जैसे आपने बिग बाज़ार और डी मार्ट का नाम सुना होगा, तो बिग बाज़ार क्या एक स्लोगन बोलता है, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, ठीक है। मतलब कि सबसे कम प्राइस में जो है बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करने का काम करता है। और डी मार्ट बोलता है डेली सेविंग डेली डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखा गया है हियर द प्रोडक्ट इज पोजिशन एज ऑफरिंग द बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस में एक अच्छा क्वालिटी का जो प्रोडक्ट देने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं पोजिशनिंग बाई क्वालिटी। इसमें क्या होता है कि हर कस्टमर देखिए यही चाहता है कि उसको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में प्रोडक्ट मिले, ठीक है। वह बेस्ट क्वालिटी के लिए हाई प्राइस भी देने के लिए तैयार रहता है। तो आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि आपने सुना होगा लिप्टोन एक ग्रीन टी आती है, जो श्रद्धा कपूर इसका एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं। तो वह एक स्लोगन बोलती हैं, गिव योर स्किन हाइड्रेटेड हेल्दी ग्लो विथ ग्रीन टी। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आपका जो स्किन है वह ग्लो रहेगी और हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग जो है क्वालिटी के बेस पे की गई है। आगे बात करते हैं पोजीशनिंग अगेंस्ट कंपटीटर, ठीक है। इसमें यह बताया जाता है या क्लेम किया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कंपटीटर के बेटर में बहुत ही अच्छा है। जैसे आपने एक एक्सपर्ट और विम के नाम सुना होगा, ये दोनों जो बर्तन साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यह जो एक्सपर्ट एक स्लोगन बोलता है कि हमारे अंदर जो है डबल एक्शन का पावर होता है, ठीक है। और जो हमारा बिम बोलता है कि एडवर्टाइज में यह बोलता है कि हमारे अंदर 100 नेबुओं की ताकत है, और मतलब कि इससे जो है बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। यह सभी चीज़ें अपने कंपटीटर को क्लेम करते हुए बताते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है कंपटीटर के तुलना में जो है बहुत ही बेटर है।
आगे बात करते हैं पोजिशनिंग बाई एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका स्पेसिफिक फीचर क्या है, उसके बेस पे पोजिशनिंग की गई है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की जो बेनिफिट क्या है, आपने देखा फिलिप्स का नाम सुना होगा। फिलिप्स क्या करती है, ट्यूबलाइट बनाती है। यह एक अपने स्लोगन में, अपने एडवर्टाइज में यह बोलते हैं कि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सेव कर सकते हैं। और जो आपने सफोला कुकिंग ऑयल का नाम सुना होगा, तो यह बोलते हैं कि इससे आपका जो हर्ट है, आपका हर्ट अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यह इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूट के बेस पे अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग की जाती है। अब बात करते हैं पोजिशनिंग बाय बेनिफिट। इसमें जो होता है कि जो प्रोडक्ट है उसके उसकी बेनिफिट के हिसाब से जो है पोजिशनिंग की जाती है। जैसे आपने सुना होगा विक्स। विक्स क्या करता है कि इस यह कोल्ड को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके बेनिफिट के बेस पे यहाँ पे पोजिशनिंग की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं पोजिशनिंग बाय परफॉर्मेंस। तो इसमें देखते हैं हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी बेस पे इसको क्या क्या पोजिशनिंग की जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया हियर कंपनी फोकस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंपनी चाहती है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छा रहे। जब हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो कस्टमर हैं उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। आपने सुना होगा लैपटॉप आता है एचपी का। ठीक है, एचपी का हमारा लैपटॉप अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट है उसकी पोजिशनिंग उसके परफॉर्मेंस के बेस पे की गई है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।